नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में एक और भूचाल, मुंबई पुलिस द्वारा राकापा नेता एकनाथ खड़से व शिवसेना नेता संजय राउत की फोन टैप किए जाने का मामला उजागर हुआ है। तो इंडियन बार एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ झूठे, निंदनीय और अवमाननापूर्ण आरोप लगाने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका सह जनहित याचिका दायर की है। वहीं म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो उधर मुंबई में शिवसेना की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि 3 साल पहले राज ठाकरे का अयोध्या राम मंदिर के बारे में क्या सोचना था। इसी बीच मनसे के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक जय श्री राम के नारे के साथ शुरू हुई। इसमें तय किया गया कि 3 मई को पार्टी राज्य भर में महाआरती का आयोजन करेगी। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र की सियासत में नयुबाल का एक और मामला सामने आया है। अब मुंबई पुलिस द्वारा राकापा नेता एकनाथ खड़से व शिवसेना नेता संजय राउत के फोन टैप किए जाने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने माना है कि वो उन्हें गलती से असामाजिक तत्व मानकर उनके फोन टैप करती रही। महाराष्ट्र के राज्य खुफिया विभाग ने कुछ अन्य नामों को असामाजिक तत्वों की सूची में शामिल किया था, लेकिन पुलिस ने इन दो वरिष्ठ नेताओं को ये मानकर लंबे समय तक फोन टैप किए। मुंबई पुलिस ने आज माना कि उनसे वरिष्ठ राकापा नेता एकनाथ खड़से का फोन 67 दिनों तक और शिवसेना सांसद संजय राउत का 60 दिनों तक टैप किया। इन्हें असामाजिक तत्व समझने की चूक हुई। मुंबई पुलिस के अनुसार बाद में हुई जांच में पाया गया कि राज्य के गुप्तचर विभाग ने कुछ अन्य असामाजिक तत्वों के नाम लिखकर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भेजे थे, जिनके फोन टैप किए जाने थे। ACS ने इसकी इजाजत दे दी थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले में SID की पूर्व आयुक्त रश्मि शुक्ला पर आरोप लगाया कि 2019 में सरकार गठन के वक्त उन्होंने गलत ढंग से उन्हें असामाजिक तत्वों के रूप में चिन्हित किया था, इसके कारण हमारी निजता भंग हुई है। केंद्र सरकार ऐसे पुलिस अधिकारियों को संरक्षण दे रही है जो कि एक पार्टी के लिए काम करते हैं। साफ है कि इस मामले को लेकर एक बार फिर से टकराव होना तय है। पुलिस की स्वीकृति आग में घी डालने का काम करेगी। इंडियन बार एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ झूठे, निंदनीय और अवमाननापूर्ण आरोप लगाने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका सह जनहित याचिका दायर की है। एक रिपोर्ट के अनुसार वकीलों के संघ ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और पूरी न्यायपालिका के खिलाफ राउत के आरोपों का हवाला दिया। संजय राउत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि एक तरफ अदालतों ने भाजपा से जुड़े लोगों को राहत दी है, लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के आरोपियों को राहत नहीं दी। उनका संकेत अदालतों द्वारा कोई राहत नहीं देने की ओर था। जेल में बंद मंत्रियों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को लेकर न्यायपालिका के रुख में पक्षपात का आरोप लगाया गया था। पिछले हफ्ते राउत ने मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के आदेश पर सवाल उठाया था, जो कि युद्धपोत INS विक्रांत को खत्म होने से बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। अवमानना याचिका में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सामना के संपादक रश्मि ठाकरे को भी प्रतिवादी बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अप्रैल को शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग स्थित 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया था। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भूषण पर लगे रेप के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान बहुत से कानूनी पक्षों की अनदेखी की गई है। कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला ने फाइनल रिपोर्ट का सपोर्ट कर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जो जरूरतमंदों के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए कानून के मुताबिक मामले की जांच करने को कहा है, जिसकी निगरानी जोन के DCP करेंगे। पुलिस बी समरी रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट किसी भी केस में तब फाइल करती है जब आरोप गलत इरादे से लगाए गए हो या जांच में कोई सबूत न मिले हो। भूषण कुमार पर आरोप लगाने वाली महिला ने बी समरी नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वो एक एक्ट्रेस है और परिस्थितियों के कारण हुई गलतफहमी के कारण उन्होंने ये आरोप लगाए थे और अब वह इन्हें वापस ले रही है। महिला ने कहा है कि उसे पुलिस की बी समरी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि महिला ने कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जो जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसी याचिका दाखिल कर अपनी सीमाएं लांग दी है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भूषण कुमार के ये प्रयास बताते हैं कि वो कितने जल्द से जल्द इस मामले से बचना चाहते हैं।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आगामी 5 जून को अयोध्या जाने की घोषणा की है। इसी बीच शिवसेना की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि 3 साल पहले राज ठाकरे का अयोध्या राम मंदिर के बारे में क्या सोचना था, जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में तनाव चल रहा था। तब उद्धव ठाकरे ने अयोध्या दौरा किया था, उस दौरान एमएनएस प्रमुख ने एक कार्टून बनाया था जिसमें एक श्रीराम और लक्ष्मण पत्थर पर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे की घोषणा हुई थी, तब नेताओं के दौरे देखकर भगवान राम के मन की भावना राज ठाकरे ने व्यक्त की थी। कार्टून में लिखा था कि देश को बर्बाद कर दिया और मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों ने तुमसे राम राज्य मांगा था, राम मंदिर नहीं। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, खुद राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। उन पर मस्जिदों पर लगाए गए लाउडस्पीकर को लेकर आंदोलन के जरिए राज्य का माहौल बिगड़ने का आरोप लगाया गया है। धर्म अयोध्या और धार्मिक प्रश्न पर जो बात आज सत्ताधारी बोल रहे हैं, वही बात 3 साल पहले राज ठाकरे बोल रहे थे। अयोध्या में मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो, इस बात पर राज ठाकरे का शुरू से ही समर्थन रहा है। हालांकि राम के नाम पर राजनीति न हो, इस बात को भी उन्होंने बार बार कहा है। फिलहाल परिस्थिति बदल चुकी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को एक और चेतावनी दी है। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक जय श्री राम के नारे के साथ शुरू हुई। इसमें तय किया गया है कि 3 मई को पार्टी राज्य भर में महाआरती का आयोजन करेगी। इसके लिए अभी से पुलिस से अनुमति ली जाएगी। उस दिन अक्षय तृतीया और रमजान ईद है। इसके अलावा 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली सार्वजनिक सभा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन के बारे में विचार विमर्श किया गया। पार्टी के महासचिव वागेश सारस्वत ने बताया कि सभी प्रमुख पदाधिकारी इस चर्चा में शामिल हुए। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने सभी को काम पर लग जाने का आदेश दिया है। अयोध्या जाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था करने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। उधर लाउडस्पीकर से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने महाराष्ट्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस मुद्दे पर कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को पुलिस की पूर्व अनुमति के साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच लाउडस्पीकर की अनुमति देने का निर्देश दिया और उन्हें लाउडस्पीकर के उपयोग के साथ साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानदंडों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक झोपड़ी में बुधवार तड़के लगी आग में एक ही परिवार के सदस्य जिंदा जल गए, तो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के घर पर पंजाब की पुलिस बुधवार सुबह ही पहुंच गई। वहीं देश भर में 60 सेंटिनल सर्विलांस साइट्स के जरिए सीवेज के नमूने लेकर कोरोना संक्रमण के रुझान पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रभावित राज्यों को 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी पर काम करने को कहा है। इसमें टेस्ट, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की सलाह दी गई है। तो उधर मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार अप्रैल महीने में गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक झोपड़ी में बुधवार तड़के लगी आग में एक ही परिवार के 7 सदस्य जिंदा जल गए। मारे गए लोग प्रवासी मजदूर थे और बिहार के रहने वाले थे। हादसे के समय यहाँ टिब्बा रोड पर नगर पालिका के कचरा डंप यार्ड के पास स्थित अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 5 बच्चे शामिल है। झोपड़ी में आग लगने की वजह का भी अभी पता नहीं चल पाया है। लुधियाना के सहायक पुलिस आयुक्त सुरिंदर सिंह ने बताया कि मजदूर पति पत्नी की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। यह परिवार डंप यार्ड के पास झोपड़ी पर रहता था। मंगलवार की रात बड़ा बेटा कहीं और सोने चला गया था। झोपड़ी में दंपत्ति और उनके 5 बच्चे ही सो रहे थे, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। जानकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 3 बजे से उस वक्त लगी जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे। उप अग्निशमन अधिकारी आतिश राय ने कहा कि आग लगने की सूचना पर सुंदरनगर स्टेशन की दमकल की गाड़ी ने काबू पा लिया, लेकिन तब तक परिवार के सभी सदस्य जलकर मर चुके थे। आग कैसे लगी और परिवार के सदस्यों ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर झोपड़ी सभी तरफ से खुली रहती है। हालांकि बेटे से पूछताछ भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के घर पर पंजाब की पुलिस बुधवार सुबह पहुंच गई। यह जानकारी कुमार विश्वास ने खुद ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही उन्होंने भगवंत मान को चेतावनी भी दी है कि वह अरविंद केजरीवाल पर भरोसा न करे, वह उन्हें भी धोखा देंगे। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूँ, तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे,
यह जानकारी नहीं मिली है कि कुमार विश्वास के घर पर किस मामले में पंजाब की पुलिस पहुंची है। हालांकि माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनके एक बयान को लेकर शायद पुलिस उनके आवास पर गई है। कुमार विश्वास ने चुनाव से पूर्व अपने एक बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से पंजाब के सीएम बनना चाहते थे। यहाँ तक कि उनका कहना था कि यदि पंजाब का सीएम नहीं बना तो फिर मैं खालिस्तान का सीएम बन जाऊंगा। अपने इस बयान में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कट्टरपंथियों से मिलीभगत होने का आरोप लगाया था। इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था और अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर रिएक्शन दिया था। इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ भी पंजाब पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और उनके घर पर भी पहुंची थी। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और चौथी लहर की आहट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी के फिर से संभावित प्रसार पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। देश भर में 60 सेंटिनल सर्विलांस साइट्स के जरिए सीवेंस के नमूने लेकर कोरोना संक्रमण के रुझान पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी किसी राज्य में इसके फैलाव के संकेत नहीं मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार कोरोना पर बने सलाहकार समूह की सिफारिश पर देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित 60 सेंटिनल सर्विलांस साइट पर सीवेज के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। ये वही साइटें हैं जो पोलियो के संक्रमण का पता लगाने के लिए सीवेज के नमूनों की जांच करती है। वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारियों की पहचान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी सीवेज के नमूने के जरिए वायरस की जांच को एक बेहतरीन उपाय माना है। कोरोना की दूसरी एवं तीसरी लहर के दौरान भी कुछ स्थानों पर ऐसी जांच की गई थी जिससे बीमारी के फैलाव को समझने में सहायता मिली थी। इन सर्विलांस साइट से सीवेज के नमूने एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला में भेजकर कोरोना वायरस की जांच की जाती है। वायरस पाए जाने पर उन्हें आगे जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भेजा जाता है। सीवेज के जरिए जांच से दो तरह के नतीजे निकाले जाते हैं। पहला यह कि क्या किसी क्षेत्र विशेष में कोरोना संक्रमण का प्रसार बढ़ रहा है। दूसरा यह कि संक्रमण के लिए जिम्मेदार वेरिएंट कौन सा है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है। दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 632 नए मामलों के साथ दिल्ली में एक्टिव केस 1900 से ज्यादा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई है। इसमें सीएम केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। स्कूलों को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। इधर मुंबई में भी एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 45 दिन के बाद यहां सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को दोबारा पत्र लिखा है। इस पत्र में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और निगरानी करने को कहा गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2067 नए मामले सामने आए। नए केसेस में राजधानी दिल्ली समेत इन चार राज्यों का योगदान काफी अधिक है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा देखा गया है। लिहाजा केंद्र ने वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज को लेकर भी तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी पर काम करने को कहा है। इसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की सलाह दी गई है। संक्रमण बढ़ने के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए सभी हेल्थ फैसिलिटीज को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी की नियमित निगरानी और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की भी सलाह दी गई है। अप्रैल महीने का आखिरी पश्चिम विक्षोभ कश्मीर में दस्तक दे चुका है। इसकी वजह से अगले दो दिन तक पहाड़ों से मैदान तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी, लेकिन 22 अप्रैल से राहत का यह दौर खत्म हो जाएगा, फिर तापमान बढ़ना शुरू होगा। वही अप्रैल महीने के आखिरी 4 से 5 दिन में लू चलने लगेगी। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार अप्रैल महीने में गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अप्रैल के बचे हुए दिनों में तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। अगर बीते 2 साल की बात करें तो 2020 और 2021 में अप्रैल का औसत तापमान 35.5 डिग्री और 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वही इस बार औसत तापमान 40 डिग्री तक रह सकता है, जो 120 साल में कभी भी दर्ज नहीं हुआ है। स्काईमेट ने बताया कि औसत तापमान 1 डिग्री बढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। इस बार जो स्थितियां बन रही है उन्हें देखकर लगता है कि औसत तापमान 3 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। इन राज्यों में अप्रैल महीने में गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बता दें कि इस साल गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार 72 साल बाद अप्रैल के फर्स्ट हाफ में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मार्च 2022 में गर्मी ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चीन ने पश्चिमी राष्ट्रों को सिखाने के लिए प्रशांत महासागर स्थित सोलोमन द्वीप के साथ विवादास्पद सुरक्षा समझौता किया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के कई शहरों और कस्बों पर जोरदार हमला किया है। इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गलतियां की, जिसके कारण देश दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से घिर गया है। उधर दक्षिण अफ्रीका में भीषण बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ चीन और पाकिस्तान को लेकर सीधी बात करने वाले हैं। इसके पहले जॉनसन गुजरात में गुरुवार को एक कारखाने का उद्घाटन करेंगे और फिर शुक्रवार को दिल्ली में आधिकारिक बैठक करेंगे। भारत को उम्मीद है कि उनकी इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन पाकिस्तान और चीन पर अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा, साथ ही ऐसा रुख अपनाएगा जो एक सच्चे लोकतंत्र के लिए उपयुक्त हो। भारतीय अधिकारी पाकिस्तान की सेना के साथ ब्रिटेन के लंबे समय से जुड़े होने और आतंकवाद पर भारत द्वारा जारी संदेश पर साथ देने में असमर्थता से निराश है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय नेतृत्व जॉनसन के साथ यूक्रेन युद्ध पर स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के चर्चा करेगा। वहीं तालिबान और हक्कानी आतंकवादियों को काबुल में सत्ता पर कब्जा कराने और वहां अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को नष्ट करने के लिए पाक और ब्रिटेन की सेना के बीच गठबंधन की ओर इशारा करेगा। भारत का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के पीछे हटने के बाद जो अस्त्र शस्त्र तालिबानियों के हाथ लगे हैं, उसका उपयोग जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए किया जा रहा है। नाइट विजन उपकरणों और M4 असॉल्ट राइफलों से लैस जिहादियों के अलावा भारत को पाकिस्तान से आतंकी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उधर ब्रिटेन भी रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को बदलना चाहता है, साथ ही वह एक इंडो पैसिफिक रणनीति को बढ़ावा देने की उम्मीद में भी है। चीन ने दुनिया भर से हो रही आलोचनाओं को धता बताते हुए दक्षिणी प्रशांत महासागर में सैन्य दबदबा कायम करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। चीन ने प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप सोलोमन के साथ विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऐसा पहली बार होगा जब चीनी सेना PLA ऑस्ट्रेलिया की सीमा से मात्र 2000 किलोमीटर दूर पहुंचने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों को डर सता रहा है कि चीन अब सोलोमन द्वीप पर सैन्य अड्डा बना सकता है। इससे पहले चीन ने अफ्रीका के जिबूती में सैन्य अड्डा बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 2 दिन पहले एक अमेरिकी दल सोलोमन द्वीप पहुंचा था ताकि सोलोमन द्वीप की चीन समर्थक सरकार को चेतावनी दी जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य सामाजिक स्थिरता और सोलोमन द्वीप पर लंबे समय तक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। चीन ने समझौते की शर्तों के बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन सोलोमन द्वीप की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये समझौता 31 मार्च को हुआ है और इसके बाद में पुष्टि की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मानसिंह सोगावरे से अपील की थी कि वो इस समझौते को रद्द कर दे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ये चीन के लिए प्रशांत महासागर में आक्रामकता दिखाने के लिए रास्ते खोल देगा। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों और कस्बों पर जोरदार हमला किया है और जारी युद्ध में अपने सैनिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। रूस की ये योजना देश को 2 हिस्से में बांट देने की है, जिसे वो पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के कोयला खदानों पर अपना नियंत्रण हासिल कर सके। यूक्रेनी सैनिकों के अनुसार अब तक तबाह हो चुके बंदरगाह शहर मरियुपोल में रूसी सेना ने एक विशाल स्टील प्लांट के बचे हुए हिस्से को समतल करने के लिए भारी बम का प्रयोग किया और इसके अलावा एक अस्पताल पर भी हमला किया जहां सैकड़ों लोग रह रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने भी स्वीकार किया कि मॉस्को की सेना ने कई शहरों या गांवों में या उसके आसपास कई यूक्रेनी सैन्य स्थलों पर बमबारी की। दोनों पक्षों ने सोमवार से शुरू हुए हमले को युद्ध का नया चरण बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना युद्ध में अपना सब कुछ झोंक रही है। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने रात के वीडियो संबोधन में कहा कि मैंने लगभग सभी को हर उस चीज को प्रेरित किया है जो रूस के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। साथ ही कहा कि हम केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि रूसी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं तथा नागरिकों को मार रहे हैं। सबसे अजीब बात है कि दुनिया के ताकतवर देश इस अमानवीयता को खुली आंखों से देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तरह से पुतिन के आगे वे असहाय हो गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गलतियां की, जिसके कारण देश दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से घिर गया है। हालांकि राष्ट्रपति ने अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प भी लिया। राजपक्षे ने इसके लिए 17 मंत्रियों की नई कैबिनेट का गठन किया है, जिसमें उनके भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे उनके परिवार की ओर से एकमात्र सदस्य है। राष्ट्रपति ने नई कैबिनेट के समक्ष अपनी गलती स्वीकारी। गोटाबाय राजपक्षे ने कहा, पिछले 2.5 साल में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है। कोविड-19, ऋण का बोझ तथा कुछ गलतियां हमारी रही, उन्हें सुधारे जाने की आवश्यकता है।
हमें उन्हें सुधारना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें लोगों का भरोसा पुनः जीतना होगा। राजपक्षे ने यह भी कहा कि उन्हें 2020 में रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर अफसोस है, जिसके कारण देश में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई और देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी सरकार को राहत के लिए बहुत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जाना चाहिए था, IMF नहीं जाना गलती थी। बता दें कि श्रीलंका अप्रत्याशित आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, जिससे वो खाद्य पदार्थ और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका ने आपातकालीन ऋण के लिए चीन और भारत का रुख किया है। भारत ने श्रीलंका को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने देश में भीषण बाढ़ के प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपदा की स्थिति और इससे निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। बाढ़ के कारण तटीय प्रांत KwaZulu-Natal प्रांत में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता है। 40,000 से अधिक लोग बेघर हुए हैं। COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण पिछले 2 साल से देश में लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा करने के एक पखवाड़े बाद ही रामफोसा ने राष्ट्रीय आपदा स्थिति की घोषणा की है। 4 दिन से ही हो रही भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ के लिए रामफोसा ने जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाढ़ ने डरबन से पूरे देश में ईंधन लाइनों और खाद्य आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जबकि डरबन ही दक्षिण अफ्रीका का मुख्य प्रवेश बंदर कहा है। यहाँ बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, बिजली और पानी की सेवाएं ठप है। ऐसे संकेत है कि आसन्न प्रतिकूल मौसम की स्थिति अन्य प्रांतों को भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित करना आवश्यक हो गया है। बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम रक्षा बल को सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने आपदा से निपटने के लिए 3 चरणीय योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम तत्काल मानवीय राहत मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी प्रभावित लोग सुरक्षित हैं और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।